आज हम लोग बात करेंगे क्लाउडवेज होस्टिंग के दो मेजर नए अपडेट्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। क्लाउडवेज एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जिसको मैंने काफ़ी रिकमेंड किया है। रिसेंटली मैंने बेस्ट होस्टिंग का वीडियो भी बनाया था फॉर 2023 एंड क्लाउडवेज वॉज ऑन द टॉप स्पॉट फॉर दैट। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें थोड़े चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। पहला, यहाँ पर इसकी जो प्राइजिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड, यहाँ पर टैक्सेशन भी आ गया है कि अब प्राइसिंग तो इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर शायद से अब आपको एक्स्ट्रा टैक्सेशन भी देना पड़ सकता है। पहले हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग चेंजेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं। सो ये रही इनकी नई प्राइसिंग, इन्होंने ब्लॉग पे अपने अपडेट कर दिया है एंड ये एक्टिव हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। क्या है वो? ये है, डिजिटल ओशन का जो पहले $10 का प्राइस था वो अब 11 का हो जाएगा, 12 का 14 हो जाएगा एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ किया गया है डिजिटल ओशन की प्राइसिंग पे। AWS में भी कुछ इसी तरह का हाल है। लिनोड पे यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा इनकी प्राइसिंग के ऊपर, क्लोज टू 20%। वल्चर पे भी सेम है, इट्स क्लोज टू 20% एंड गूगल क्लाउड पे अराउंड 10% का यहाँ पर इंक्रीज़ आपको देखने को दिखेगा। अब मेरा ये एस्टिमेट है, क्योंकि डिजिटल ओशन ने यहाँ पर इसको एक्वायर किया था रिसेंटली, तो दे आर ट्राइंग टू बी द फेवरेट्स हियर, क्योंकि लिनोड और वल्चर दोनों काफ़ी क्लोजली प्राइस थे, तो अब दे वांट कि पीपल गो विद डिजिटल ओशन, इसलिए यहाँ पे लिनोड और वल्चर पे ज़्यादा इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया है कंपेयर टू डिजिटल ओशन। दैट्स जस्ट व्हाट आई थिंक एंड ये प्राइस अब इंक्रीज होना ही है 1 अप्रैल से। देयर इज नॉट अ लॉट दैट वी कैन डू, इनफैक्ट वी कांट डू एनीथिंग। अगर हमें यूज़ करनी है तो वी नीड टू एक्सेप्ट द प्राइसिंग दैट दे आर थ्रोइंग एट अस। इसके बाद दे हैव इंट्रोड्यूस टैक्सेस ऑल्सो। पहले यहाँ पे टैक्सेस सिर्फ दो जगह के लिए था, यूरोपियन एंड सिंगापुर कस्टमर्स, सिर्फ वहीं के लिए टैक्सेशन था, बट अब यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के लिए भी आ गया है। इंडिया में जो टैक्स रेट रहेगा वो रहेगा 18%, दैट इज़ द GST। और अगर आपके पास GST नंबर है तो यू कैन गो टू योर अकाउंट प्रोफाइल, प्रोफाइल में आप लोग बिलिंग डिटेल्स में एडिट बिलिंग डिटेल्स करके यहाँ पर GST नंबर डाल सकते हो अपना, जहाँ पे आपको टैक्स डिटेल्स मिल जाएगी नीचे। सो अगर GST नंबर हो तो उसको इनपुट करने के लिए यू नीड टू गो टू योर अकाउंट पेमेंट एंड एड्रेसेस, यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स पे जा करके टैक्स लोकेशन पर यहाँ पर आपको आ जाएगा, एडिट बिलिंग एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको GST नंबर डाल देना है। यहाँ पर टैक्स डेट्स भी मेंशन हो जाएगी, रेट भी मेंशन हो जाएगा। अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी 1 अप्रैल नहीं हुआ है। आफ्टर 1 अप्रैल यहाँ पर 18% का एक्स्ट्रा टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पर अपना GST नंबर डाल दोगे तो ये टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू कंक्लूजन, प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं, टैक्सेशन आ चुका है, तो अब क्या क्लाउडवेज वर्थ इट है 2023 के लिए? आई थिंक क्लाउडवेज आर मेकिंग श्योर दैट डिजिटल ओशन शुड बी द फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑन द होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्लाउडवेज, कि लोग डिजिटल ओशन की तरफ ही जाएं, उनके सारे जो भी स्टेप्स है वो सब वहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी वर्थ इट है? आई स्टिल थिंक दैट इट इज़ वर्थ इट उस प्राइस पॉइंट पर। एक दो और कंपनीज है जो अभी मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, अभी मैं आई एम ट्राइंग टू ट्राई आउट न्यू मैनेज होस्टिंग जो कि क्लाउडवेज के लेवल की या फिर इससे अच्छी हमें होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए फॉर द सिमिलर प्राइजिंग, तो आई एम लुकिंग आउट फॉर दैट। डू लेट मी नो कि अगर आप लोग कोई ऐसी कंपनीज का यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी होस्टिंग कंपनी का यूज़ कर रहे हो जो कि मैनेज हो इस प्राइस रेंज में और काफ़ी अच्छी सर्विस भी दे रहे हो, तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी मैं 2-3 होस्टिंग को यहाँ पे ट्राई आउट कर रहा हूँ एंड अगले 5-6 महीने में आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑन द रिव्यूज एज वेल। सो ये थी एक छोटी सी अपडेट, आई नो पसंद तो आई नहीं होगी बट अपडेट थी तो मैंने दे दी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।